पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे इन्फिनिटी एक्स का 2.9 लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या कुछ नया चेंज है, चेंज लो क्या है और स्पेशली परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वॉलपेपर वगैरह चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जहाँ से आप इसे निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको जो डायलर मिलता है हर बार की तरह डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको कॉल रिकॉर्डिंग के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा जैसे कि आप लोग डिमांड करते हो। तो ये चीज़ आपकी सही है। साथ साथ यहाँ पे आपको डिफॉल्ट मिल जाता है वही पोको कैमरा, जो कि प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई दिक्कत आपको जो नहीं आती, तो ये भी आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर आते हैं सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे जो सेटिंग का लुक है इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 4-5 लुक आपको मिल जाता है। अबाउट के सेशन में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 15.2.9 का ऑफिशियल अपडेट, सारे फोन के एस्पेक्ट्स वगैरह। हमारे मेंटेनर का नेम 1 जून का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है और ये हमारा कर्नल है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बिल नंबर वगैरह। बैक यू रहते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे जेस्टर्स के अंदर आपको टैप का, टॉर्च का, ओपन कैमरा, 100 और यहाँ पे पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह के भी ऑप्शन आपको जो मिलते हैं। सिस्टम अपडेटर है, फाइल ट्रांसफर आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप बार बार कनेक्ट करते रहते हो तो। यहाँ पे डायग्नोसिस वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहेगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि है हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट USB, जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, जो कि ये भी बिल्कुल ही सही है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको थर्मल प्रोफाइल और टर्बो चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि सही है और ये काम करता है काफ़ी सही तरीके से, दिक्कत ज़्यादा नहीं करता। बाकी यहाँ से आप है जो पर ऐप का है, जो अपना परफॉर्मेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने बेंचमार्क पे डाल के चेक कर रखा है और ये काम करता है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता था जो कि हमारा है सत्यो पोको F5 के डिवाइस के अंदर, जो कि है पावर टूल का। इस और पावर टूल यहाँ पे रिमूव कर दिया गया पर्सनली हमारे पोको के F6 डिवाइस के अंदर से, जबकि F5 में ये चीज़ देखने को हमें मिल जाती है। तो ये तो दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हो सेम टू सेम है। बट यहाँ पर ये जो टर्बो चार्जिंग है इसमें 90 वाट सपोर्ट करता है, इसलिए है यहाँ पर नहीं है, तो उसको इग्नोर मारते हैं। बट यहाँ पर पावर टूल के अलावा ये चीज़ है जो इसमें मिसिंग है, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी होता है, क्योंकि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है, तो पावर टूल की मुझे नीड नहीं है। बट कुछ लोगों में भी नीड पड़ सकती है। बाकी चार्जिंग कंट्रोल वगैरह आपका सही है, सेम है, आइडियल का ऑप्शन मिल जाता है, स्लीप मोड वगैरह भी दिया गया है, जो कि बैटरी सेविंग में हेल्प करता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पे डॉल्वी वगैरह है, और डॉल्वी के अंदर भी इंप्रूवमेंट आया है, जो कि पहले वाला था ना हमारा लेगेसी डॉल्वी, वो यहाँ पे हो चुका है। जिन लोगों में मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, नोटिफिकेशन के अंदर आपको वही नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे नोटिफिकेशन कूल डाउन वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऐप्स के अंदर आपको ऐप्स लॉक, क्लोन और यहाँ पे गेम स्पेस बार वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये रहा, जो कि लेटेस्ट वाला ही यहाँ पे यूज करा गया है और ये आपका प्रॉपर काम करता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। रही बात डिस्प्ले, तो ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग रहता है इसमें, नो प्रॉब्लम। साथ साथ यहाँ पे आपको टाइम आउट वगैरह देखने को मिलता है, नाइट लाइट वगैरह है। यहाँ पे आपको जो डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन, प्रिवेंट वेकअप का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पॉकेट मोड है। हाई टच पॉलिंग रेट वगैरह है और HBM वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, और यह इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन। अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि नेविगेशन, उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन मोड के ऊपर, उसके बाद सेटिंग पे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पहले नहीं देखने को मिलता था, ये नया ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शन भी देखने को मिलता है, जो कि रिमूव था, अब वापस यहाँ पे ऐड हो चुका है। सर्कल टू सर्च वगैरह देखने को मिलता है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स हुई है। बाकी मिसलेनियस के अंदर यहाँ पे आपको इसे ऑफ करना है, और स्पूफिंग वाला, डिवाइस सर्टिफिकेशन वाला आपको मेथड फॉलो करना है, क्योंकि 1 डे पहले गूगल ने फिर से कांड कर दिया है और जितने भी पहले सर्टिफाइड है सब फेल हो चुके हैं अगेन। तो गूगल बिल्कुल ही बच्चा बना हुआ है, और इसके साथ खेलने में उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और हम भी भाई जिद पर रहे हुए हैं कि हम इसे फिक्स करके ही मानेंगे, ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। और यहां पे मैंने फिक्स कर लिया है, और कल के डेट में मैंने वीडियो भी दिया था कि इसे ठीक कैसे करना है वंस अगेन तीनों को, तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना, और उसके बाद इसे आप फिक्स कर पाओगे इजीली, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कर्नल SU यूज करो या फिर आप है जो मैजिक से यूज करो, दोनों के तरीके से आप फिक्स कर पाओगे, और डिवाइस का जो प्रूफ है बूट लोडर का वो भी आपका ऐड हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। अनदर यहाँ पे जो बेसिक से फीचर्स वगैरह है ये सारे आपके वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नोटिफिकेशन के अंदर आपके वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑन गोइंग, कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग वाला, फ्लैश लाइट का, इग्नोर D&D का। यहाँ पे पावर मेनू पे आपको क्या कुछ रखना है वो आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ बटन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। EOD वगैरह आप यूज कर सकते हो, और EOD हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करता है, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, और फिंगरप्रिंट भी सही वर्किंग है।
स्टेटस बार के अंदर आपको मिल जाता है ट्यून का ऑप्शन, जहाँ पे सारे ऑन ऑफ कर सकते हो। क्लॉक के ऑप्शन है, बैटरी से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। नेटवर्क ट्रैफिक, 4G इंडक्टर भी ये ऐड हो चुका है, जिसे आप LTE से 4G, 4G से LTE पे स्विच कर सकते हो। 5G इंडक्टर को स्पूफ कर पाओगे, यहाँ पे आपको वाईफाई, कलर आइकन, इंडक्टर वगैरह और पैडिंग कंट्रोल भी मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको थीम्ड पैक मिलता है, जहाँ पे बूट एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दो दिए गए, एक डिफॉल्ट, एक गूगल का। और यहाँ पे आपको वॉलपेपर वगैरह का ऑप्शन मिलता है जो कि प्रॉपर काम करता है, ब्लर कर सकते हो। और सेटिंग का ये नया EY, जहाँ से आप जैसा चाहिए वैसा लुक रख सकते हो, बस यहाँ पे डालना है एक और सेटिंग आपको रीस्टार्ट कर लेना है, आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से नए लुक आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। और इतने सारे लुक यहाँ पे दिए गए हैं, तो बार बार अपना चेंज करो, मूड को रिफ्रेश करते रहो। बाकी ये सेम वही आइकन वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, वाईफाई वगैरह का है, वॉल्यूम पैनल वगैरह का है, जो कि आप यहाँ से जो चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सारे बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि सही है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वही क्लॉक वगैरह के कस्टमाइजेशन, जो कि आप क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हो। जो भी आपको क्लॉक रखना है वो आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे अगर मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ तो ये आपको जो लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, बस ये अप्लाई हुआ और ये हमारे AOD के ऊपर आ गया, और साथ साथ लॉक स्क्रीन के ऊपर भी ये देखने को आपको मिल जाएगा। अगर मैं ये रखता हूँ तो ये भी आपके लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा, बस अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने इंस्टेंट लॉक किया और ये आ गया। अगर मैं डबल टैप करूँ तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो भी क्लॉक चाहिए वो आप यहाँ पे रखो, और भाई काम काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और ये आपके वर्किंग रहते हैं। लेकिन जब भी आप करोगे तो थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, करीब 2-3 सेकेंड का। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से अपनी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, क्लिक कर दो, आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये लॉक स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगा। चाहे आप AOD यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल स्क्रीन यूज कर रहे हो, हर जगह यह दिखाई देता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी वही बेसिक से सेटिंग, जैसे कि रिपर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे UDFPS का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे आइकन वगैरह सेट कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो सिंपल सेट करो, आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है उसके इफेक्ट्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह, तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है उसे आप यहाँ पे पिक कर लो, आपको आपके लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और फिंगर रखते ही आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, एनिमेशन और ऑथेंटिकेशन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, पॉकेट मोड भी आपको मिल जाता है। और ये मोनिट के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से सिमिलर रहता है हर एक USB के अंदर। और यहाँ पे वही सारे बेसिक से आपको सेटिंग्स वगैरह जो देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही प्रॉपर काम करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। और सेटिंग का UI का जो लुक चेंज करने का ऑप्शन है वो भी काफ़ी सही तरीके से हमें नज़र आता है। अगर हम बात करें इसके होम लॉन्चर की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है लॉन्चर से रिलेटेड। तो जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो वो चीज़ आप बदल सकते हो अपने हिसाब से और रख सकते हो, और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। लेकिन इसके बाद बात आती है यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट की, कि आप परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, बैटरी ड्रॉप कैसा है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नज़र डालते हैं अपनी गैलरी के ऊपर आके। मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम सेटअप किया था, जो फिंगरप्रिंट का यहाँ पे था ना लाइट, ये कुछ ज़्यादा ही जो बोल्ड काम कर रहा था। लेकिन कंप्लीट सेटअप करने के बाद जैसे मैं एक बार लॉक करता हूँ, ये जो फिक्स हो जाता है। तो मे भी आपके साथ भी आएगा, जब आप सेटअप करोगे ना यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट करेगा, ऐसा लगेगा भाई क्या हो गया डिस्प्ले के अंदर। और सेटअप कंप्लीट करने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ, मे भी जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो, बट हुआ तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बाय डिफॉल्ट इतने ही फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मिलेंगे, बाकी आप डाल लेना। अनदर यहाँ पे आपका ये पास नहीं रहता है, मैंने खुद से पास किया है, ये सारे फेल्ड आपको देखने को मिलते हैं, तो फिक्स करना पड़ेगा। फोटो स्टोरेज आपका अनलॉक रहता है बाय डिफॉल्ट, ये मैंने पास किया था जो कि वीडियो दे रखा है। ये हमारा 51 के बाद मॉर्निंग का बैटरी ड्रॉप जो कि 47, तो यहाँ पे 3% काउंट हुआ है, बट यहाँ पे देखोगे तो आपको 4% नज़र आता है। तो 8 hours 41 minutes में 4% का बैटरी ड्रॉप, जो कि मैं कहूँ थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, इससे कम से कम 2 या 3 रहना चाहिए था। और यह है बूस्ट करने के बाद का रिजल्ट हमारे CPU का, जो कि 4,13,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,71,000 है, 90 का परसेंटेज, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है। Antutu स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है, हीटिंग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, जो कि 43 ही ओनली गया है, जबकि ये 50 तो ईजिली टच कर ही जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा Geekbench ओवरऑल अच्छा है, कैमरा वगैरह मैंने चेक किया वो भी हमारा सही काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात चैनलों में क्या कुछ मेंशन किया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको शो की वो चीज़ आपको दिखाई देती है, जैसे कि IME हाइड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे रिकवरी के अंदर इमेज ऐड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे सेटिंग के स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है, रेंडम वगैरह, QoS का, क्लॉक साइज, फुटर का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मोनेट कलर का आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एडजस्ट ओपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है, डिसेबल किया गया है नॉन सिस्टम ऐप्स वगैरह को, और ब्रिंग बैक डाटा डिसेबल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो टोटल ये सारे आपको चेंज लॉग देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके सोर्स चेंज लॉग वगैरह है। तो ऐसे अगर आप फाइंड करोगे तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, बट चेंज लॉग में काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन है, और सम टाइम ऐप्स क्रैश कर रहे थे,
उसे भी यहाँ पे जो फिक्स किया गया है। तभी फिलहाल रोम तो भाई रियली में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बस वही बैटरी से रिलेटेड मुझे थोड़ी बहुत शिकायत है इसकी, बाकी सब कुछ मक्खन जैसा है। और डालना कैसे है तो वही आपका ADB साइड लोड का मेथड होने वाला है, मैं लास्ट में एक वीडियो ऐड करूँगा जिसे फॉलो करके आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे इजिली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। आपको इंस्टॉलेशन गाइड फॉलो करना है, पहले आपको अपने फोन को ऑफ कर लेना है, पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके आपको फास्ट बूट मोड ऑन कर लेना है। अब वर्किंग डेटा केबल का यूज करते हुए पीसी से कनेक्ट, इसी पे आप इस टूल का यूज कर सकते हो जो कि वन टाइम में रिकवरी इंस्टॉल करके दे देता है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया बस सिंगल क्लिक पे, और अब हमारा फोन है जो रिकवरी में ऑन हो जाएगा। रिकवरी जैसे ही ऑन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लेना है, वॉल्यूम अप डाउन का यूज करते हुए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पावर बटन से आपका ओके का काम करेगा। फैक्ट्री रिसेट हो जाने के बाद आपको बैक आना है, अप्लाई अपडेट पे जाना है और यहाँ पे ADB साइड लोड कर देना है। जहाँ पे भी आपने रोम रख रखा है उसे मूव कर लेना ADB प्लेटफॉर्म टूल में और CMD कमांड ओपन कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ADB साइड लोड। ADB साइड लोड डालने के बाद आपको यहाँ पे रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर FW रिक्वायर्ड है तो पहले FW को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो फ्लैश हो जाने के बाद दोबारा ADB साइड लोड करके हम यहाँ पे रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेम इसी तरीके से, और इंटर पे क्लिक करेंगे। विद इन 5 मिनट आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा और यहाँ पे रिकवरी पे एक ऑप्शन आएगा यस और नो का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे फर्स्ट टाइम आपको यस कर देना है और पावर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपका रिकवरी द्वारा रीओपन होगा, और अगर आप कोई ऐसा रोम फ्लैश कर रहे हो जिसमें बाय डिफॉल्ट रिकवरी दिया गया है तो आपका रिकवरी रिप्लेस हो सकता है। यहाँ पे फाइनल आपको जो फैक्ट्री रिसेट करना है वंस अगेन, और फॉर्मेट डेटा करते ही आपको फिर से सिस्टम रिबूट कर देना है। अब आपने जो भी रोम को फ्लैश किया है इस मेथड से उसका बूट एनिमेशन आ जाएगा और आपका OS बूट कर जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस कि कैसे हम ADB साइलोड से रोम को फ्लैश कर सकते हैं इजीली और वन टाइम में बूट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और सेम गाइड फॉलो करते हुए आप अपने रोम को फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।